हेलो नमस्कार दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे जहां से शुरू हो रहा है दिल्ली से। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जो शुरू हो रहा है दिल्ली टू मुंबई, अभी लगते हैं हमको 2 दिन बॉम्बे जाने में बाय रोड। इस रोड को कंप्लीट होने के बाद में हमें 7 से 8 घंटे में वो मुंबई पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा, आगे तो ये फरीदाबाद से लेके दौसा तक अभी स्टार्ट भी है, लेकिन दिल्ली से जो ये काम चल रहा है आप ये देख रहे होंगे, ये साइड जितने नीला शेड लगा हुआ है यहाँ इनका ब्लॉकिंग का और हर चीज़ का काम शुरू है। इन सब के यहाँ इस ये कालंदी कुंज आपका यूपी में है, दिल्ली सरिता विहार है और हरियाणा, ये तीनों का बॉर्डर है। ये देखिए ब्रिज है, ये फर्स्ट ब्रिज है जो फरीदाबाद में होगा। इसका काफ़ी काम, मिट्टी वगैरह डल रही है, काफ़ी काम हो चुका है। तो अभी हम इसे देखते हैं, इसके चलते चलते काम की इन्होंने आगे ब्लॉकिंग एंड ऑल सारी की सारी साइड NHAI ने कंप्लीट की हुई है। NHAI की बहुत स्पीड से काम कर रहा है। ये सामने हमारे एक तरफ ये नहर देख रहे हैं, इस बोर्ड के उस तरफ नहर है, ये नहर यमुना से जा रही है, यमुना से निकल के फरीदाबाद की तरफ। ये हाउसिंग पाइप्स जितने भी ये लोहे के गाटर वगैरह हैं, ये सारे का सारा दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। सारी चीजें इन्होंने बना करके रेडी करके रखी हुई हैं और अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। मेरे ख्याल में ये इसी साल में के एंड तक ये दिल्ली अक्षरधाम होते हुए सराय काले खां जा रहा है। सराय काले खां से इस रोड की शुरुआत होगी। ये जो ब्रिजेस के पिलर गए हैं ये इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक है। ये सामने जो ब्रिज है ये मेट्रो का है, और ये मेट्रो जो ब्रिज है ये लास्ट मेट्रो स्टेशन आएगा अभी दिल्ली का। सामने यूपी है और अभी हम जिस रोड पे हैं ये फरीदाबाद में है। तो दिल्ली मेट्रो मैंने तो सोचा है कि स्टार्ट होगा तो एक बार मुंबई बाय रोड होके आएंगे। वैसे मैं पहले भी गया हूँ। अभी ये देख रहे हैं आप पिलर्स का काम कितनी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, पूरा कवर अप करके इनको कुछ महीनों में कम्प्लीट कर लिया जाएगा। और इससे आगे का काम, इसके 8 किलोमीटर आगे से काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये सारी साइड देख रहे हैं आप, जो ये ब्लॉक साइड है यहाँ पे इन्होंने ये जो ब्रिजेस के जितने ब्लॉक हैं ये देख रहे हैं आप। आपने ऐसे ब्रिजेस में ब्लॉक देखे ही होंगे या काम होते हुए। इस साइड में इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट के जितने भी यहाँ लगने हैं सारे के सारे ब्लॉक्स बना के रेडी किए हुए हैं। आप ये देखते रहिए, अब आप देख रहे हैं सुपरनोवा की बिल्डिंग है, जो ये सुपरनोवा जिसका प्रोजेक्ट नोएडा में दिखाया था आपने देखा होगा सारे टीवी पे, एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जमींदोज किया गया था। वो किस वजह से किया गया था पता नहीं, लेकिन ये इसकी हाई राइज बिल्डिंग है, ये आइकॉनिक बिल्डिंग है और यहाँ काफ़ी चर्चा में रहती है इसके। आप देख रहे हैं कितने फ्लोर्स हैं, बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने से ही सुपरनोवा से आपको दिखेगा ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, यहाँ पे चलती हुई गाड़ियाँ दिखाई देंगी। ये लास्ट जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का है, इसके सामने यूपी है, उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है। योगी जी भी बड़ी फास्ट तरीके से काम करते हैं और NHAI गडकरी जी और ज़्यादा स्पीड से काम करा रहे हैं। चलो छोड़ो हमें इन चीज़ों से क्या लेना है, लेकिन हाँ बात कर रहे हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। अभी हम इसका लास्ट तक जाके देखते हैं। अब हम यमुना पे आ गए हैं, ये यमुना का ओखला, ये ओखला बैराज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे यमुना का पानी है, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इधर यमुना है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, ये बीच में ब्रिज है, ब्रिज पे हम क्रॉस कर रहे हैं आपका सुपरनोवा बिल्डिंग की तरफ। यहाँ से मैं दिखा सकूँ आपको कि कितनी जगह बची है अभी इसकी। तो अब हमने करना क्या है कि दिल्ली मुंबई जैसे ही स्टार्ट होगा मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको दूंगा और दिल्ली टू मुंबई तक का पूरा सफ़र हम और आप साथ साथ करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम पहुंचे हैं मामाया फ्लाईओवर से नीचे से, यहाँ ये दूसरी कार है हमारी, इसको टेक ओवर करके शायद इसी कार से हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली टू मुंबई।